वल्लभ नगर पूर्व विधायक और जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों को आ रही समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। बिल्डर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क बटेवर से बांसी एक तरह से क्षेत्र की लाइफलाइन है। इस सड़क पर बटेवर, खड़सान, खेरोदा, अमरपुरा, खालसा, बासड़ा, डाबियो का खेड़ा, सारंगपुरा, खेताखेड़ा, सारंगपुरा, कानोड़, लूणदा और अमरपुरा जागीर जैसे बड़े गांव आते हैं। साथ ही बिंडर व कानोड़ नगर भी इस रोड से जुड़े हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते ये सड़क वर्तमान समय में खस्ताहाल हो रही है, जबकि पिछली सरकार ने इस रोड के पुनर्निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये स्वीकृत कर रखे हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया कर भारतीय कंस्ट्रक्शन को कार्य आदेश दे रखा है। वह इस कार्य की समाप्ति की तिथि 16 जनवरी 2020 रखी गई थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। बिंडर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर वर्तमान सरकार राजनीतिक कारणों से उपरोक्त कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया गया, बल्कि इसके एवज में पेचवर्क करके इतिश्री की जा रही है। बिंडर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अनुरोध किया है कि ये कार्य शीघ्र शीघ्र शुरू किया जाए और क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की जाए। निर्देशित किया हाईकोर्ट ने कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, कि उन्होंने काफ़ी काम तो आधे से ज़्यादा तो अब करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से काम बाकी हैं। लेकिन जो मुख्य काम बाकी है वो है भटेवर से जो बांसी रोड है, जो हमारे एक तरह से वल्लभ नगर विधानसभा की लाइफ लाइन है, उस रोड का काम अभी तक इन्होंने स्वीकृत तो है, 14 करोड़ रुपये स्वीकृत है, वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, लेकिन उसको काम अभी तक चालू नहीं किया और उससे पैचवर्क करके उसकी इतिश्री कर रहे हैं। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आया कि इस काम को शीघ्र शुरू करवाया जाए, और अगर नहीं करते हैं तो हम सभी ग्रामीण वहाँ के अपने अपने क्षेत्र में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, अभी कलेक्टर साहब से मैंने क्या पूछ रहा हूँ? कलेक्टर साहब ने कहा मैं PWD वालों से बात करके इस काम को करवाता हूँ। ठीक है।